बहुत सारी चीज़ें हुई इधर से कोई कुछ बोल देता था फिर uh, मे मेरा और शिवित का रिलेशनशिप है कोई तीसरा बंदा बोल रहा होता था तो आई यूज बी क्वाइट कि नहीं रहने दो लेट देम टॉक लेट देम से मैं शिवित को बोलती थी ठीक है शायद तू जा नहीं पढ़ना है बीच में तो मुझे ये था कि ठीक है मैं अभी को कॉन्ट्रोवर्सी में जा नहीं रही है कई सारी बातों पर हम आएंगे लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब इस पाकर जब कॉल आया तो क्या रिएक्शन था आपका ओ गॉड ओके okay, तो ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार शेयर करी है आई वॉज़ नॉट डूइंग वेल मतलब 2023 लाइक अगस्त सितंबर अक्टूबर का अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए बहुत ही ऐसा था कि मैं मैंटली मैं स्टेबल नहीं थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज यू नो डन एंड अ मोम लाइक कि आप तू जॉब कर क्योंकि चीज़ें नहीं हो पा रही थी मुझसे तो मेरी मैम मोम लाइक कि अब तू जॉब कर तू अपना देख ये सारी चीज़ें छोड़ दे बिकॉज आई उस टाइम पे मैं इन्फ्लुएंसिंग वगैरह कर रही थी और नहीं वो आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए था okay. तो मैं पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं ये सब छोड़ के ये कर वो कर वो कर बट मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं गिव अप नहीं करूँगी आई वॉज नॉट डूइंग वेल मेंटली फाइनेंशियली मैं स्टेबल ही नहीं थी बट बिकॉज ऐसा था मैं गिव अप ही नहीं करूँगी तो मुझे जब स्प्लिट्स मिला के ऑडिशन के लिए कॉल आया लाइक ठीक है मैं दे देती हूँ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड मे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है तो मैं मीटिंग के लिए गई फिर मीटिंग के आ गया इस हफ्ते बाद ही मुझे कॉल आ गया मैं तो मुझे मेल आ गया क्या कन्फर्म तो मेरे को ऐसा हो गया मैंने कहास ट्वेंटी yes. ट्वेंटी थ्री मेरा बेस्ट ईयर था पहले मेरे को लग रहा था नहीं है बट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेरा बेस्ट ईयर था बताना चाहूँगी क्या हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी Uh, एक इन्फ्लुएंसर के लिए ना एक अगर आप कंटेंट पोस्ट करो चीज़ें चल रही है तो एक हाइप होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती है लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड आई वॉज लिटरली वर्किंग रोली हार्ड बट मेरे को वो आउटपुट नहीं मिल रहा था okay. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी uh, मेरी पर्सनल लाइफ में भी जिससे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या अपनी लाइफ में मैं नहीं थी स्टेबल लाइक like, uh, मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं किसी से बात नहीं करती थी uh, uh, मेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं ज़्यादा जा, uh, बट मैं मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और मेरी मम्मा को ये हो गया था कि क्या हो रहा है तेरे साथ क्यों हो रहा है तो मैं उनसे भी नहीं हो पा रही थी समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ क्या चल रही है मेरी तो आई वॉज नॉट स्टेबल एट दैट मोमेंट फिर किस तरह से आपने डील किया उन सारी चीज़ों से फिर यही माई ब्रदर हेल्प मी अलॉट माई फ्रेंड निहारिका शी हेल्प मी अलॉट एंड आई स्टार मेडिटेशन मैंने पहले आई वॉज़ अ रिलीजियस पर्सन उसके बाद मैंने अपने आप को स्परिचुअलिटी में रखा कि नहीं स्परिचुअलिटी okay. में रख के फिर मैंने सारी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया मतलब सारी चीज़ों में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो ना तो वो चीज़ एक्चुअली में आपकी लाइफ में आती है बिकॉज गॉड अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दे रहा है तो देर इज़ समथिंग जहाँ पर आप बहुत हाइट पर जाने वाले okay.

और जो मेरे फेलो क्रिएटर्स थे वो उनके भी वन मिलियन हो गए वन पॉइंट फाइव मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन ऐसे हो सब आगे बढ़ रहे हैं पे सब आगे, आगे, आगे बढ़ रहे थे और मैं तीन साल से मेरे वन मिलियन ही नहीं हो रहे थे और मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मैं क्या कर रही हो मैं दो मैं वीडियोस बना रही थी मेरे को बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था, था बट मैं वीडियोज़ बनाती थी सब कुछ दे रही थी बट वो एक था ना कि एक पुश और एक कोड मैं क्रैक ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे करूँ कहाँ कैसे पहुँचूँ वहाँ पर इतना हार्डवर्क करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही थी फिर गॉड हेल्प मी अलॉट माई ब्रदर हेल्प मी अलॉट माई फ्रेंड हेल्प मी अलॉट लाइक वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी हैं कि लाइफ में कितना भी मुश्किल का टाइम आ जाए कितनी भी चीज़ हो जाए तो मैंने नहीं मैंने गिव अप नहीं किया तो सारी चीज़ें पॉसिबल थी मेरे लिए तो मैंने ये चीज़ कि नेवर गिव अप जब मैं तीन साल के अंदर वन मिलन कर सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है

तो शी लाइक कि अभी वो उसमें नहीं आया तो मे बी कुछ हो सकता है और फिर बहुत लोगों ने बताया कि ये एक्सक्वीज़ है तो एक्सक्वीज मतलब एक्स वाला होएगा तो आई वॉज़ लाइक ब्रो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई सामने वाले बंदे को मतलब इतना नहीं हो ही नहीं सकता है तो जब मैंने देखा तो नहीं मेरा रिएक्शन ही ऐसा आ गया था क्योंकि मेरे को फ्लैश हिट कर गए थे बहुत ज़्यादा मैं लाउड हो गई थी बहुत ज़्यादा और मैं कुछ टाइम तक लाउड थी जो कि मैंने बाद में देखा मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं रहना चाहिए था बट मेरे अंदर वो फ्रस्टेशन थी कि क्यों यानी मै पॉइंट ना अब क्यों लाइक like, पहले जब मैं थी तब तब आपने वैल्यू नहीं करी अब क्यों तो वो एक फैक्टर आ गया था तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत टाइम पे ना जैसे शिवित मेरे साथ था तो मुझे बताया भी गया था लक्ष्य ने आके मुझे बताया था क्योंकि वो सारे एग्जाइल न आए रहा दिग्विजय सबके साथ हो तो उसने मुझे आके बताया था कि शिवित तो इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू सो आई वाज लाइक अगेन यू केम टू मी अगेन अभी पहले तो तू था नहीं मेरे साथ अभी क्यों आके बोल रहा है एंड आई नो दिस गाय यू डोंट कम एंड टेल मी कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है ये वो नहीं है तो वहाँ पर भी एक मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ गई थी कि, कि पहले आपने क्या नहीं करी अभी आके यू आर टेलिंग मी एवरीथिंग तो ऑफ कैमरा कैसे संभाला आपने खुद को क्योंकि जो हमने जो देखा है और आपने भी जितना बताया कि मतलब वो जो सिचुएशन जो आपके लिए थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी ऑफ हाँ। कैमरा दो तीन <laughs> प्रोड्यूसर्स थे जिनके बारे में मैं नाम नहीं ले सकती हूँ तो मेरे को ऐसे मैं पैनिक करने लगी थी उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी थी नॉट बिकॉज ऑफ़ दैट सिचुएशन इज ऑल्सो लाइक कि uh, शिवित वॉज देयर एंड लक्ष्य वॉज देयर मुझे ऐसा लगा था कि शिवित चीज़ों को समझ नहीं पाएगा और वही okay. एक सिचुएशन आई थी जहाँ पे शिवित को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तो मुझे नहाने बोल के गई थी बट वो उधर दी थी बट दो मैंने उसको पूरा एक ये सिचुएशन समझाया था बट वो नहीं समझ में आया तो मेरे को ऐसा हो गया था कि यार क्या करूँ मैं <laughs> <laughs> मैं तो अपने तरफ से हंड्रेड परसेंट दे रही हूँ बट सीजन नहीं हो पा रही है तो मैं क्या करूँ तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी नज़ लाइक मुझे शो छोड़ना है मेरे को नहीं रहना लाइक आपका एग्रीमेंट है ये है सब कुछ है मैंने कहा लेटेड भी जो भी है आई एम रेडी टू हैंडल एनी कॉन्सिक्वेंसेस आप मुझे निकाल दो शो से बट uh, वो जो टीम थी स्प्रेसला की

तो तो एक्स भी नहीं होता। मतलब ऐसा था बट ये था कि हां आई वाज सो इनवॉल्वड आई वाज एक्सपेक्टिंग सोचती हूँ माय फॉल्ट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम हिम बट फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम हिम तो ऑफ कोर्स टाइम एक हद से नहीं बचती है चार साल कई बार आपने बोला कि ढाई साल जो अपने रिलेशनशिप का जो टाइम बताया है काफी लंबा नहीं होता है किसी इंसान को समझने के लिए नहीं मैं तो उसको समझती थी नहीं मतलब ये चीज जानने के लिए कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम होता है बट यू नो आप इफ यू आर एक्चुअली अटैच्ड टू समवन आप सारी चीजों को साइड में रखते हो Just that you have for each other, तो आप उसी फ्लो में जाते हो, कि, no, we, we okay. सारी हो जाएंगे वही मेरे साथ भी वही था आई गेस उसके साथ भी वही था कितना मुश्किल होता है जब एक्स आता है और वो किसी और के साथ में उसका बॉन्ड डेवलप होता है और आप ऐसे शो में हैं कि यहाँ पे आपको किसी ना किसी के साथ में कनेक्शन बनाना ही है hmm. आई टेल यू वेन ही आई वॉज विथ शिव विथ एंड जब लक्ष्य आया था मैं उससे मूव ऑन कर चुकी थी मेरे लिए ये मुश्किल था क्योंकि दोबारा से देखना चीज़ें वही फ्लैशबैक yeah. होना वही सेम सिचुएशन में मेरे को नहीं जाना था बट मैं उससे मूव ऑन कर चुकी थी क्योंकि स्प्लिट सिला से पहले भी बहुत सारी ऐसे टाइम था जहाँ पे मैंने एकदम ऐसा कर लिया था कि अब अच्छा चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए आई हैव टू बी वेरी यू नो स्ट्रिक्ट अपने लाइफ में अपने करियर को लेके और मुझे वही था कि अगर मुझे स्प्ले की अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसको ग्रैप करूँगी और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आए तो मेरे लिए ये था कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ दो ऐसी चीज़ें थी कि ही यू वो चीज़ें थी कि हाँ ये क्योंकि एक क्यों होता है ना कि आप इतने टाइम से किसी के साथ रह रहे हो तो एक वो होता है कि भाई इज़ नॉट डूइंग वेल एंड समथिंग तो वो चीज़ थी बट फीलिंग्स के उसमें नो नथिंग

Uh, वहाँ पे भी बोल रही थी पीछे से भी बोल रही थी कि अन्ने का क्यों इतना जब वो गिल्टी वाला चैलेंज कोर्ट रूम वाला yeah. चैलेंज हुआ था तो उस पर भी वो बोल रही थी कि अन्ने का क्यों इतना ऐसे कर रही है ये वो वहाँ पे मुझे बुरा लगा था वो हमने सॉर्ट आउट किया था एंड कशिश वॉज लाइक कि मैं मतलब वो तो मैंने मैं समझ गई थी yeah. कि उस टाइम पर चलो ठीक है वो उसका पर्स्पेक्टिव था एंड दैट वॉज फाइनल बट फिर एक चाल uh, वो आया था जब शिवित वोट uh, आउट हो चुका था एंड uh, मैंने बोला था कि आई वॉन्ट टू परफॉर्म एट एनी कॉस्ट मुझे नहीं पता मैं देव के साथ भी परफॉर्म कर लूँगी एंड एडी को, को परफॉर्म करूंगा मैं ऐडी के साथ परफॉर्म कर लूँगी मुझे नहीं पता मैं किसी के साथ भी परफॉर्म कर लूँगी तो उस पर उसकी वीडियोज लगी थी बहुत अजीब अजीब, अजीब वीडियोज़ लगी थी तो मैं वो वीडियोज़ देख के बहुत शॉक हो गई थी उसने so, बहुत कुछ बोला था वीडियोज़ में अनिका जा मर जाके ये सब चीज़ें बोली थी तो मैं बहुत शौक मैंने गई

सीजन खत्म हो गया था एंड हो गए थे सब हो गया था शो खत्म उसके बाद हुई थी फिर भी वो बोल गई थी तो मैं बहुत शॉक हो गई थी मैंने का व्हाट तो मुझे बुरा लगा था बहुत ज्यादा उस टाइम पे कौन आपको ऐसा लगा कि शो के अंदर बहुत अलग था और जो बाहर आने के बाद में उसका चेहरा <laughs> एकदम ही अलग आपने देखा है हर्ष हर्ष मैं कहूंगी हर्ष शो में पूरे टाइम ऐसा रहता था कि यू you नो know, हमेशा एक कैरेक्टर में रहता था मैं मैं हमेशा बोलती थी शिवित को मैंने कहा ये कुछ तो है कुछ तो है और फिर शो से इनफैक्ट शो से बाहर आने के बाद भी उसकी जो स्टार्टिंग की डेज़ की जो वीडियोस देखी थी क्योंकि स्टार्टिंग के उसमें हमारा इतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ था स्टार्टिंग के डेज में जो वीडियोस देखी थी उसमें भी वो बोल रहा है उसने मुंह पे नहीं बोला था कभी कि रोडीज़ वाले को लेकिन उसने वीडियो में जाके बोला था तो मैंने देखा तो मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगा बट फिर मैं मुंबई आई मैं हर्ष से मिली और मेरा परस्पेक्टिव ही चेंज हो गया मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा जो शो में था वो और वो जो अब है लाइक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी लाइक शो में यूज्ड टू बी वेरी यू नो कनिंग टाइप यू नो कि हर एक चीज़ में ये इधर से इधर बात घुमा देना ये चीज़ कर देना वो चीज़ कर देना बट रियल लाइफ में वो ऐसा नहीं है ही इज़ वेरी केयरिंग ही इज लाइक अगर मैं उसके घर भी जा रही हूँ ना वो हमेशा रहेगा मतलब कुछ कुछ ऐसे पॉइंट yeah. आए थे जब कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी बाहर मतलब तो शो के बाहर भी शेविथ नहीं था मेरे साथ हर्ष वॉज देर विथ मी एंड रात के तीन बजे भी उस बंदे ने मुझे कॉल करके बोला अनिका यार डोंट वरी आई एन देयर विथ यू हर्ष एंड रुशाली बोथ ऑफ देम ऑफ देय विथ मी और वहाँ से आई गॉट टू नो ये बंदा ही अलग है मैं उसको कितने बार बोलती हूँ मैंने कहा ये वाला जो हर्ष है अगर तो ये शो में रहता ना तो

जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग है वो सुबह लड़ेंगे फिर दिन में साथ में हो जाएंगे फिर शाम को लड़ेंगे फिर रात में साथ में हो जाएंगे मतलब लड़ाई होती है बट ऐसी लड़ाई एक पॉइंट पे भी नहीं होती कि वो तीन चार दिन तक बात नहीं कर रहे हैं ये नहीं हो रहा मतलब वो रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना मुझे ऐसा लगता है और हर्ष मैं बोलती हूँ ना हर्ष को बहुत एरोगेंट उसने शो में लगा ना कि वो बहुत एरोगेंट है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है वो ऐसा है वो रियल लाइफ में इतना स्वीट है ना फैज़ान इतना स्वीट है लाइक

मैंने बैंड दो लोगों को दिए थे हर्ष और शिवित और मेरी बात सबसे पहले हर्ष से हुई थी बाकी मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा यार तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ इसलिए कि वो रोडी से लाइक क्यों मेरी हर्ष से बात हुई हर्ष से मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से बात हुई उसने yeah. काफ़ी गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया कि ऐसा होगा हो ये होगा उसने मुझे बहुत सारे सिचुएशन दिए मैंने उससे ऐसे बात करी तो वो बहुत काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी मेरी और हर्ष की मेरी जब शिवित से बात हुई तो शिवित और मेरा जो कॉन्वर्सेशन था ना वो गेम परस्पेक्टिव से ज्यादा लेकर मतलब मैंने उससे पूछा मैंने कहा वाई यू आर ह्योर द इज लाइक आई एम ह्योर टू विन द ट्रॉफी एंड मैं भी उस टाइम पे ऐसी थी कि मुझ में अगर स्मिथ्स आई हूं क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को ये था मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं फाड़ दूंगी तो मेरा ये था मतलब जीतने वाला जुनून था आपके हाँ तो मेरा ये था कि फिर मैंने उससे बोला आई एम ऑल्सो ह्योर टू विन द शो तो ई वॉज़ लाइक ठीक है और फिर जब हमारी जो बात हो रही थी ना मेरी और शिविद की yeah. तो वो बात काफ़ी कनेक्टिंग वाली थी लाइक like, हमें एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ रहे थे कि बात करने के लिए होता है ना कि फॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन हो जाता है कि हाँ ओके ऐसे वाला नहीं हमारी वाइब काफ़ी ज़्यादा मैच हो गई थी तो उस पॉइंट पे भी सबसे पहले तो मेरी बात हर्ष से हुई

और उसके बाद भी वो थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ था जितने टाइम शिवित नहीं था वो मेरे साथ था लोग कहते हैं कि तुमने हर्ष को आइडल मैथ से नहीं उतारा क्यों मैं उतारूँ हर्ष को आइडल मैथ से ही वॉज रुशालियन हर्ष वज़ द ओनली पर्सन वेर विथ मी उस पॉइंट पे तो बात ही नहीं बनती है सब ने ऐसा नहीं है सब ने आके मुझसे बात करी इनफैक्ट दिग्विजय ने भी yeah. आके बात करी लक्ष्य ने भी आके बात करी सारी चीज़ों में बट एक जो सपोर्ट का बात आता है शो में रहने के लिए और इनिशिएट करने के लिए वो हर्ष ने करा था, बाकी किसी ने नहीं करा था तो खनक का मैंने लाइव देखा था एक क्लिप मैंने देखी थी, जहाँ पे खनक ये कहती हुई नजर आती है, कि भाई होता है दो महीने का दिग्विजय का और शिवेद का जो स्पिट सिला जो है वो है छह महीने का <laughs> नहीं वैसे स्प्लिटी छह महीने का ही था और ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों को बिग बॉस में जाना है बिग बॉस जब तक आएगा नहीं तब तक इनका चलता रहेगा ये घर के अंदर ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और घर के बाहर ये दोनों आके दोस्त बन जाते हैं ओके आई टेल यू वन थिंग वैसे आप शिवित और दिग्विजय तो दोस्त नहीं है बट जब शो खत्म हुआ था yeah. तो ये सिनारियो आया था कि yeah. एक पॉइंट पे आ, सारी चीजें सारी चीजें चली गई थी yeah. दिग्विजय शिवित बहुत अच्छे हो गए थे बात बात कर रहे थे तो वर डिस्कसिंग कि हम शो को बड़ा कैसे बनाएंगे अगर तुझे मेरी बात कोई बुरी लग रही है तो तू मेरी बात बोल शिवित बोला तुझे मेरी बात कोई बुरी लग रही है तो तू भी मेरी बात किसके हो रहे हैं शिवित और शो को बड़ा बनाने के पर्सपेक्टिव से कि हाँ अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हमारा शो ही बड़ा बनेगा क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मली बैठ जाएंगे okay. तो ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी लाइक like, हाँ तो ये तो है एक्चुअली कि अगर ऑडियंस को नहीं दिख पाएंगे तो ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी क्या हुई थी चीज़ें बट वो <laughs> शो को बड़ा बनाने के चक्कर में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज एक्चुअली में हो गई <laughs> तो उस पर्सपेक्टिव में भी मैंने ये शिविर को भी बोला था मैंने कहा तुम लोग सोच तुम तुमने ये किया कि हाँ हम दोस्त हैं बट नॉर्मली मजाक मस्ती में कोई भी चीज़ होएगी तो हम करेंगे शो से बड़ा बनेगा अच्छा दिखेगा बट वो मजाक मस्ती में किसी और को भी हर्ट हो सकती okay. है चीज़ें तो, तो ये चीज़ें सही लगी आपको उस वक्त में जब ये सब डिस्कस हो रहा था कि भाई हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे देखो मैं अगर आ, इस पर्सपेक्टिव ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ऑडियंस बोलेगी कि ये फेक है ओके okay. बट अगर मतलब अगर आप पहले से अगर आप ऑलरेडी डिसाइड करके अगर हाँ. आप जाके लड़ाई लड़ रहे हो शो को बड़ा बनाने के लिए <coughs> तो लड़ाइयां तो फेक होंगी नहीं हो लेकिन ये जो शो में लड़ाई हुई okay. है वो एक्चुअल में आक्षल रियल है बट शो खत्म होने के बाद जो सोशल मीडिया पे हो रही थी वो ये था वो भी वहां तक ये था कि हाँ हम शो को बड़ा बना रहे हैं तो ठीक है नॉर्मली अगर तेरे को कोई बात बुरी लग रही है तो तू बोल अगर अभी कोई एपिसोड एयर हो रहा है तेरे को okay. कोई बात बुरी लग रही है तो तू बोल मैं भी बोलूंगा बट फिर एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं भी इन्वॉल्व थी लक्ष्य भी इन्वॉल्व था दिग्विजय भी इन्वॉल्व था और वो भी दैट वॉज नॉट फेक दैट वॉज रियल जहाँ पे लक्ष्य ने भी चीजें बोली थी दिग्विजय ने भी बोली थी वही मैं चीज बोल रही हूँ कि आप वहाँ पे बड़ा होने के चक्कर में रियल में बहुत सारी चीजें हो गई और ये मैंने उस टाइम पे भी आई गेस दिग्विजय को भी बोला था बिकॉज दिग्विजय ने भी अपने कमेंट सेक्शन में पिन करे हुए थे मेरे ट्रामाटाइज वाले पार्ट ये वाले पार्ट yeah. ये सारी चीजें तो मैंने दिग्विजय को भी बोला था कि ऐसा ना हो कि आप क्योंकि वो व्लॉग्स में भी डालता था ऐसी yeah. चीजें तो मैंने वही बोला था कि ऐसा ना हो कि आप किसी को एक्चुअल में शो को बड़ा बनाने के चक्कर में ये करने के चक्कर में जानबूझ के किसी को मॉक करने के चक्कर में yeah. ये चीज़ हो कि किसी को एक्चुअली में अफेक्ट हो जाए क्योंकि कंटेस्टेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सोच रहे हो कि अगर हम ये पॉइंट उठाएंगे अगर हम अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे तो हमारे जो फैंस हमारे जो सपोर्टर हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे बट किसी के मेंटल हेल्थ पे भी तो असर हो सकता है उसका तो दैट वॉज द थिंग और वही चीज़ हुई है वहाँ पे जनता जूरी में जो कुछ भी हुआ क्या जो हुआ वो होना चाहिए था उस टाइम पे भी शिवित को बोला था कि चल शवित जो भी चीज़ हो हाथ वगैरह उठाना गलत है एंड ही एक्सेप्टेड दैट ही सेड सॉरी कि ठीक है मैंने हाथ उठाया इन फ्रंट ऑफ एवरी वन दैट वॉज रॉन्ग बट उससे पहले बहुत मॉकिंग हुई है वो जनता जूरी के एपिसोड में जो जो तो चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे बोली गई हैं बहुत लाइक like, दिख विजय का एक पॉइंट रहता है कि uh, Uh, मैं तो बोलूँगा मैं तो ये करूँगा तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले और फिर uh, पूरी दुनिया बोल रही है बट दिस थिंग स्टार्टेड हिम ओनली दिस ट्रामाटा थिंग स्टार्टेड फ्रॉम ओनली लोगों को और उससे बढ़ावा मिल गया अभी भी मेरे कॉमेंट सेक्शन में आएगा लॉर्ड ऑफ हेट मुझे चार पाँच हज़ार कमेंट सिर्फ नेगेटिव हेट के आते थे बट मैं शो नहीं करती थी मैं नहीं रखती थी बहुत सारे इनफैक्ट आई कैन शो यू माय चैट्स मेरे पास अभी तक स्क्रीनशॉट है लेकिन मैंने उसको कभी भी अपने ब्रॉडकास्ट में पोस्ट नहीं किया मेरे पास अभी भी स्क्रीन है जहाँ पर मुझे बोला गया है गंदी गंदी गालियाँ दी गई है लिटरली okay. तू यहाँ पर आएगी तो म, तेरे को तेरा कर देंगे ऐसी चीज़ें बोली गई हैं बट ये एक पॉइंट आ जाता है कि आप किसी चीज़ को प्रोवोक कर देते हो आप मॉक कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को प्रोवोक कर रहे हो और ऑडियंस तो ऐसी है कि अगर वो आपको सपोर्ट करिए तो वो देख रहे मेरे आइडियल तो इस चीज़ को बोल रहे हो तो मैं क्यों ना एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सोशल मीडिया पे बैठ के जो भी चीज़ें बोल रहे हो पता है कि कुछ लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और आपकी आईडी तो है नहीं आपका एक्चुअली आइडेंटिटी तो है नहीं बट इसलिए तो आप और ज़्यादा करते हो चीज़ें अभी जो कशिश को भी हेट मिल रहा है उसके आई ये सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड उसको जो इतने कॉमेंस हैं आधे से लोगों real ID की रियल आईडी होगी ही नहीं उसमें से उनकी आइडेंटिटी है ही नहीं बट जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सपोर्ट

शांत था तो शो में तो वो और ज्यादा पोकिंग था जैसे जैसे शो में तो और बीच बीच में बोलता था मेरी और लक्ष्य के कॉन्वर्सेशन के बीच में बोल देता था <laughs> मैं उसको बोलती थी मैंने कहा मैं और लक्ष्य एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं आप क्यों बोल रहे हो बीच में दिग्विजय एंड मेरे सारे फ्रेंड्स लाइक आकृति आकृति ने मुझे पहले ही बताया था आकृति शिवित <coughs> सब ने मुझे मतलब मेरी आकृति और शिवित से बहुत अच्छी वो थी तो उन्होंने मुझे दिग्विजय के बारे में बताया था

शो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बाहर भी बहुत ज़्यादा बोल बोल के बनाया गया लाइक like, व्लॉग्स में बोल देना पहले नहीं था ये इतना स्टार्टिंग के डेज में इतना कुछ भी नहीं था ठीक है उसके बाद 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 में मजाक में बोल देना और वो पार्ट ब्लॉग व्लॉग में डाल देना दो एक बार ऐसा भी हुआ था कि लक्ष्य ने वो पर्टिकुलर पार्ट हटवाया था व्लॉग से बट okay. आपने कमेंट पिन करके रखा है जस्ट गेस अगर यही चीज़ शिवित के आ, शिवित अपने उस पर किसी के लिए बोल देता कोई भी बात और वो कमेंट पिन होता बहुत बड़ा बवाल हो जाता बहुत बड़ा बवाल हो जाता बट जस्ट बिकॉज वो किसी और ने किया जिसको आप बहुत तो वो नहीं हुआ दैट द सेम थिंग विद कशिश ऑल्सो अगर शिवित और कशिश होते फिनाले में और वहाँ पे कशिश शिवित के साथ ऐसा करफ्यू होती तो पीपल अभी तक लोग उसे प्रेज कर रहे होते कि नहीं यू डिड

तो उसने आधा घंटा लिया था कि वो वहाँ पे जाके क्या बोलेगा कैसे करेगा ये करेगा मतलब व्हिच इज फाइन कि मतलब अगर तुम्हें वैसा चीजें बोलनी है करनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए शो पर्सनालिटी का इशू है ना हाँ अगर उसमें फिर प्रिपरेशन कैसी है तो वही है ना उसकी पर्सनालिटी मतलब ये बहुत अलग स्टेटमेंट होने वाला ही है हां मतलब वो पर्सनालिटी इसलिए कि बहुत बहुत लेता है वो सोचता है कि मैं अब इस पर ये बोलूंगा तो ये okay. रिएक्शन आएगा मैं यहाँ पे ये करूंगा तो ये उसको पता था कि शिवित वहाँ पे शिवित को नहीं पता था कि एग्जाइल में दिग्विजय तो 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 वो तो वो ऑब्वियस तो हो गई ना कि अगर मैं वहां जाऊँगा तो क्या है क्या नहीं उसको पता है कि शिवित किस चीज़ से ट्रिगर होता है कहाँ से क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती तो वो तो पता है वो तो नॉर्मल चीज़ है वो थोड़ी ना है मुझे बहुत सारे लोग डिगी फैंस हेट करेंगे बट दैट इज रियलिटी आई मीन तो उस पर्सपेक्टिव से तो बहुत बुरा हुआ है दिग्विजय के साथ क्योंकि अगर कोई इंसान इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है उसको फिनाले खेल रहा है उसने लिटरली अपनी उसकी जो कनेक्शन थी उन्नति उसको छोड़ के वो नायरा के साथ हुआ उसकी उन्नति भी चली गई उसका वोट आउट हो गया फिर भी उसको ये था कि मुझे जीतना है फ़िनाले तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत गलत हुआ उसके साथ क्योंकि अगर एक बंदा चाहता है फिनाले में तो नहीं गया वो बट अगर मैं कशिश के पर्सपेक्टिव से कहूँगी तो क्या गलत है यार दिग्विजय के साथ वो तो शो के बाद होने नहीं वाली थी ठीक है दिग्विजय उसको क्या मतलब मुझे नहीं लगता कि वो उसको इतना सपोर्ट करता नहीं करता ठीक है फिनाले में मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जीत पाते कोई भी, कोई भी भी चैलेंज हो कुछ भी हो मुझे ऐसा लगता है जशवंत आकृति और हर्षुशाली काफी ज्यादा स्ट्रोंग परफॉर्मर थे तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस पॉइंट पे जीत पाते और स्पेशली लव मैच था ही नहीं वो पावर मैच है वो लोग yeah. लव तो फिर तो वही है ना और जब मुझे, मुझे बाद में भी ये पता चला है कि कशिश ने बोला था उसको कि वो उसको कशिश ने हिंट्स दिए थे okay. कि वी आर पावर मैच वी आर पावर मैच थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट अब फिर भी फिलहाल के बाद वो एक लाइव आया था लाइव में उसने लाइक like, अफकोर्स वो कशिश से पहले मिल रहा था yeah. उसके साथ उसने पार्टी करी है वर ऑल टुगेदर लाइक फ्रेंड्स वाले उसमें हर टाइम वो लोग साथ में थे फिर लाइफ के लाइफ में आके उसने ये बोल दिया कि एक किसी के लालच के वजह से मैं फिनाले में नहीं जा पाया तो वो स्टेटमेंट मुझे बहुत बुरी लगी फिर मुझे लगा कि हाँ हो सकता है आप उसके साथ हो पूरे टाइम पे आप उसके साथ पार्टी कर रहे हो आप उससे बात कर रहे हो आप उसके साथ शॉपिंग जा रहे हो भले उसको अगर इतनी प्रॉब्लम थी वो बोल देता ना अपने फ्रेंड्स के साथ कि कशिश रहेगी मैं नहीं जाऊँगा शॉपिंग okay. पे ठीक है आप उसके साथ फिर वहाँ पर जा रहे हो एंड फिर लेटर ऑन आई गॉट टू नो दे वॉज दिस पार्टी सचिन की पार्टी में सचिन के पार्टी में भी ही वॉज लाइक कि कोई बात नहीं कशिश होता है तेरी पर्सनैलिटी वो थी कोई बात नहीं इसलिए लाइक यू आर सेंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड लाइफ में जाके आप फिर बोल रहे हो कि किसी के लालच की वजह से मैं फिलहाल नहीं खेल पाया इसमें एक और स्टेटमेंट आता है जहाँ पे बोला जाता है कि दस लाख रुपए चाहिए थे तो मुझसे मांग लिए होते हाँ। आप समझ रहे हो किसका स्टेटमेंट है ये ये हाँ। ये दे देते यार यार क्यों क्यों दिया ही, अभी दिया अभी बाद में स्टेटमेंट शो शो पे पे देना चाहिए था अगर ऑफर मिलता तो वो वो दो मिनट सोचती ना कैशिश फिर वो पक्का खेलती फिलहाल शो में ये ऑफर नहीं दिया गया अभी देखिए कोई फायदा नहीं है फिर क्या रिएक्शन था आपका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में लक्ष्य ने बोली थी ये बात हाँ <laughs> मेरा रिएक्शन मेरे को हंसी आई थी जैसे मुझे अभी हंसी आ रही है ना मुझे हंसी आई थी मेरे को ये था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं ले दे देना चाहिए था फिर दिए क्यों नहीं यार आप किसी लड़की को बोल रहे हो मेरे से ले लेती दस लाख रुपए भाई वहाँ पे उसने शो में वो चीज करी उसके बाद उसको अभी भी इतना सब कुछ मिल रहा है इतना हीट जो अभी वो yeah. ले रही है वो उसके लोग अभी भी बोल रहे कि दस लाख रुपये लेके ये करी होगी वो कर रही होगी वो करी होगी

<laughs> तो मैं क्या बोलूँ तभी देखो मेरे को मेरा ये तभी आपको नहीं फॉलो करना चाहिए था अभी करके फिर कोई नहीं बनता घर के अंदर जो बॉन्ड बने हैं लाइक उन्नति एंड दिग्विजय क्या ये बॉन्ड रियल है या सिर्फ एक गेम के लिए है या सिर्फ एक फेम के लिए है हाँ तो मुझे शो पे तो नहीं लग रहा था क्योंकि उन्नति दिग्विजय से ज्यादा दिकीला के साथ रहती थी हाँ सच में मैं बताती हूँ उन्नति जब शिवित वोट आउट हुआ था ना तो आई वॉज नॉट डूइंग वेल मैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कह रूँ तो उन्नति मेरे साथ सोई थी और उसके बाद उन्नति इज लाइक यू नो शी इज़ वेरी स्वीट मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है सबको भाड़ में जाने तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है वो बोल देती है चीज़ों चीज़ों में उसको कोई उधर से बोलेगा ना कि ये करने के लिए तो कर देगी बट उसको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है रियल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो उन्नति हाँ उन्नति को रियल लाइफ में उसको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो फ्लो फ्लो में कर देती है चीज़ें फिर उसको बाद में आइए रियलाइज होता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि ये गलत है चीज़ तो उस टाइम पे भी वो मेरे साथ थी और फिर एक टाइम था जहाँ पे मैं मतलब दिकिला उन्नति करूँ मेरे बाजू में ही था तो मैंने उनको मैंने गई थी दिकिला के पास पूछने के लिए की उन्नति गए तो दिकिला उन्नति साथ में रहती थी दिग्विजय से ज्यादा दिकिला के साथ रहती थी उन्नति तो मुझे शो पे तो उनका बॉन्ड नहीं दिखा कहीं भी जब मैंने डेट वाला सीक्वेंस भी देखा तो मैंने मेरे को ऐसा हो गया कि मैंने कहा ये भी हुआ था कि नहीं दिखा बट मुझे बाहर उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा दिख रहा है क्या आपके ऊपर भी ऐसा प्रेशर था जिस तरह से लड़कों ने डिस्कस किया कि भाई शो को बड़ा बनाना है लड़कियों के ऊपर भी ऐसा प्रेशर होता है शो को बड़ा बनाने देखो जो खेल के है ना रोडीज दे नो हाउ थिंग्स वर्क आकृति शिवेद दिग्विजय शिवेद ने तो वैसा खेला ही नहीं है जैसे उसने रोडीज करा तो ये लोगों को पता है कि चीज़ें किस तरह से बढ़ती हैं कौन सा कौन सा कहाँ पे कौन सा टॉपिक उठाने से चीज़ें बढ़ेगी कौन सी कौन पॉइंट बोलने से होएगी मेरे नहीं पता ये सब कुछ भी मेरे बाद में दो बजे शेवित ने शो में भी, भी बीच में बहुत बार ऐसी चीजें बताई थी कि नहीं ये कर ये कर वो कर okay. मैंने कहा नहीं मैं अपने तरीके से खेलूंगी प्लीज डोंट टेलवी एनी लाइक मैं अपने तरीके okay. से खेलूंगी लाइक स्टार्टिंग के टाइम पे भी ना ही यूज़ टू लाइक की प्लीज डोंट ट्रस्ट एनी ठीक है स्पेशली रोडीज पीपल डोंट ट्रस्ट एनी और फिर आकृति का भी पॉइंट आया था तो ही लाइक

देखो मैं डिजर्विंग का नहीं बोलूँगी बट जब मैं शो में थी तो मेरा ये था मैं सपोर्ट हर्षशाली को कर रही थी बट जब आकृति जीती थी तो मेरा ये था कि अच्छा हुआ वो जीत गई कोई बात नहीं कोई चीज़ें होती है कभी कभी होते हैं शिवित का भी ऐसा हो गया तो नॉर्मल हो गई थी सारी चीज़ें मैंने आपको बोला वहाँ पे भी नॉर्मल हो गई थी सारी चीज़ें तो मेरा ये था क्योंकि मैंने और आकृति ने मैनिफेस्ट किया था डे वन से कि हमें फिनाले में जाना और वो जीती थी तो मुझे खुशी हुई थी कि आकृति जीती है तो मुझे हर्षशाली के लिए बुरा लग रहा था बट आई वॉज हैप्पी फॉर हर बट अभी जब मैं चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे अभी चीज़ें रियलाइज हो रही है कि बहुत सारी ऐसी जगह पे चीज़ें थी जैसे कि अभी वो जीती जीतने के बाद उसने इंटरव्यू दिया है यशवंत आकृति ने जहाँ पे हर जगह वो इंटरव्यू में लोगों के बारे में बुरा भला बोल रही है <coughs> उसने तीन जगह तीन अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए मैं मेरे लिए बात करती हूँ शिवित का भी छोड़ देते चलो ठीक है शिवित को अगर वो बोलेगी कि शिवित भी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है तो शिवित का छोड़ देते हैं बल्कि शिवित बिलो द बेल्ट जाके उसने वहाँ पे नहीं बोला वो शी ऑलवेज पोर्टेड इन दैट वे वो लोग उनकी सक्सेस पार्टी या सक्सेस पार्टी में वो शिवित के लिए बोल रहे हैं कि बहुत गंदे तरीके से शिवित ने नहीं बोला था वहाँ पर ब्रॉडकास्ट में चीज़ें चल रही थी विनर्स विनिंग के बात तो नहीं बोला बट उन लोगों ने बोला और अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ तीन जगह उसने तीन स्टेटमेंट दिए एक जगह उसने बोला है कि अनिका के लिए मुझे सॉफ्ट क्वारर है फर्स्ट चीज़ आई फेल्ट गुड कि हाँ चलो ठीक है शी थॉट अबाउट मी सेकेंड जगह उसने बोला है कि शिवित की वजह से मेरी और अनिका की नहीं बनती है आई वॉज लाइक चल ठीक है तेरा परसपेक्टिव है वो ओके okay. थर्ड उसने एक जगह बोला इंटरव्यू में कि आई एम स्ट ऑफ अनिका वो मेरे एडवांटेज ले सकती है और वो उस चीज़ को पता नहीं मेरी एडवांटेज लेके उस चीज़ को वो कहाँ पे यूज़ कर दे लाइक like, ई फील्ट सो बैड मैंने उसको फिडाले पे विश किया था और जब मैंने उसका ये मुझे किसी ने टैक किया था वहाँ पर और जब मैंने उसका वो चीज़ देखा आई वॉज लाइक मतलब ये क्या है कि मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ मैं उसकी अगेंस्ट चीज़ें यूज कर सकती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव लॉर्ड ऑफ थिंग्स अबाउट हो आई नो लॉर्ड ऑफ थिंग्स अबाउट हो जो चीज़ मैंने शिवित को भी नहीं बताई है बिकॉज आई नो कि अगर चीजें आगे होंगी तो वो चीजें वो पर्सनल चीजें वो नहीं हो, हो, होनी चाहिए उस तक वो नहीं जानी चाहिए को इतनी सारी चीजें पता है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने और आकृति ने शेयर करी है मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अब वो जाके इंटरव्यू में ये चीज़ बोल रही है कि अनिका मेरे लिए चीजें यूज कर सकती थी मुझे उससे बात करने में डर लगता है तो टू तो तो बी वेरी ऑनेस्ट मैं उसको फ्रेंड मानती ही नहीं हूँ अब और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी कभी भी फ्रेंड रहे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट आप ये कह रहे हो कि वो मेरा फ़ायदा उठा सकती है मैं चाहती ना फैजान तो मैं बहुत जगह फ़ायदा उठा सकती वो मेरे नेगेटिव रील्स शेयर करती थी अपने स्टोरी में बट स्टिल आई वॉज क्वाइट एट दैट मोमेंट शिवित के लिए वो इतनी चीज़ें बोलती थी मैं नहीं बोलती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि चल ठीक है शिवित और आकृति की लड़ाई है वहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए ठीक है जो कि बहुत गलत चीज़ है मैंने नहीं लिया था स्टैंड शिवित का बट अभी भी अगर वो ये चीज़ हर जगह जाके अलग 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 स्टेटमेंट देगी और अब ये बोलेगी कि अने का उसका फायदा उठाना चाहती है तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस बट आई हैव लॉर्ड ऑफ थिंग्स अबाउट यू आई एम स्टिल क्वाइट बिकॉज आई जेनवरली रिस्पेक्ट दैट थिंग वट एवर वी हैड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट थिंग बट यू शुड थिंक अबाउट इट कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए और अगर मैं बोलूँ ऐसा कि मैंने तो फायदा नहीं उठाया बट आपने फ़ायदा उठाया किस तरह के फायदे की बात हो रही है अगर आप बताना मुझे वही जानना है वो, वो उसने इंटरव्यू में जाके बोले कि आई एम ऑफ अनिका आई मीन व्हाट आई एम ऑफ अनिका मुझे उससे बात करने में डर लगती है मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से बात करके मेरा एडवांटेज उठाएगी और वो मेरी चीज़ें यूज करेगी ब्रो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं सकती हूँ बट दे लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कभी नहीं बोलूंगी और ना ही मैंने बोल ली है अबाउट द शो और पर्सनल था कुछ पर्सनल भी है शो से रिलेटेड भी है बहुत सारी चीजें हैं और जिसको जो किसी को नहीं पता है और मैं नहीं बोलूंगी ये क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं किसी का फायदा उठाऊं शी वाज गेटिंग लॉट ऑफ हेट ठीक है स्टार्टिंग के सीजन में शी वाज गेटिंग लॉट ऑफ हेट आई वॉज द पर्सन आई गेस आई वॉज द ओनली पर्सन पूरे शो में जब वो हे, उसको हेट मिल रहा था सारी चीज़ें हो रही थी दिग्विजय आई गेस लाइव आके उसने बहुत सारी चीज़ें बोली थी तो उस पर उसको हेट मिला था मैंने उसको टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पे यूर डूइंग फाइन आई यू फाइन एंड ऑल ऑफ दैट मेरी और शिवित की कितने बार लड़ाई हुई है उसकी वजह से बीच में भी अभी इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि मैं मैं हमेशा शिवित को बोलती थी कि बत डोंट वो यहाँ पे तू मतमोल यहाँ पे ये चीज़ मतमोल ये चीज़ वहाँ से मतमोल बहुत रोकती थी मैं शिवित को शो के बाहर भी बट इज़ लाइक यू हैव टू क्लैरिफाई थिंग्स अदरवाइज तेरे ऊपर ही आएगी शिवित बे उस वो मेरे जो मेरी अगेंस्ट वाली रील होती थी जो सिर्फ मेरी थी ठीक है जो मेरी अगेंस्ट वाली रील होती थी वो अपने स्टोरी पर लगाती थी मैंने आज तक उसकी कोई अगेंस्ट वाली रील स्टोरी मेरी लगाई है बल्कि दिक्ला को कोई फैन पेज कुछ तो थे जो उसको बहुत ज़्यादा हेट दे रहे थे और वो वल्गारिटी वाला हेट दे रहे थे आई टू हर स्टैंड कि नहीं वो मत करो बट अभी तुम स्टार्टिंग के टाइम में मेरे साथ बहुत अच्छे थे तुम बोल रहे हो कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त अभी भी एक इंटरव्यू में जाके बोल के मुझे लगता है कि मेरे को अनिका से दोस्ती रखनी चाहिए बट एक इंटरव्यू में जाके बोल रहा हूँ कि आई एम स्केड ऑफ अनिका लाइक like, तो मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो मुझसे डरते हो क्या है मुझे नहीं पता तो आई फील लाइक उसकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी है ऑफ कैमरा बॉन्ड क्या था ऑफ कैमरा ही हमारा बॉन्ड था ऑन कैमरा हमारा बॉन्ड नहीं था तो मैं श्योर रियलिटी शो कर रही हूँ मुझे okay. नहीं पता था कि अगर हम ऑफ कैमरा कोई चीज कर रहे हैं मेरे को ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप बन रहे हैं ना तो आप उसकी केयर करो जैसे वो अगर सो रहा है या सो रही है चाहे कोई भी कोई भी रिलेशन हो कोई भी बॉन्ड हो तो आप उसकी केयर करो आप उसके साथ रहो ड मैटर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा का ये सीन मुझे नहीं पता था तो मैं उसके साथ रहती थी ऑन ऑन कैमरा जो चीज़ें हैं मैं नहीं दिखाती थी ऑन कैमरा कि ये चीज़ है वो चीज़ है वो वहाँ पे भी एक पॉइंट आया था कि मैं और शिवित उसके अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहे थे उसको निकालने के लिए आई टेल यू शिवित इज़ अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन उसने मुझे शो में कितनी बार बोला है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना इट्स ओवर बिटवीन अस आई डोंट वांट टू प्ले विद विट चैलेंज जब हुआ था ही वाज लाइक इवन उसके बाद भी कई बार शिविर लाइव आया और लाइव आने के बाद में उसने ब्रेकअप अनाउंस किया क्योंकि उसको एक छोटी सी चीज़ ट्रिगर हो जाती है ना तो ही इज लाइक उसके हुआ है मतलब तो okay. उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब इसके साथ नहीं रहना ये चीज़ हो गई है तो जब वो मेरे साथ ऐसे कर देते है कि भाई मेरा ये ये बिल्कुल मेरा फोन डिसीजन है मेरे को तेरे साथ नहीं रहना तो गुस्से में कुछ भी बोल देता है आई कैट आपको बुरा लग रहा है ये लग रहा है बट जब ये चैलेंज हुआ था okay. जिस दिन शिवित वोट आउट हुआ था उससे पहले एक चैलेंज हुआ था उसके रात में बैठ के सारी बातें हुई ठीक है कि ये गुस्सा था सब कुछ था डोम उस दिन रात में नहीं हुआ था डोम हुआ था नेक्स्ट डे डोम हुआ नेक्स्ट डे तो उसके बीच में जो टाइम था ना उसमें मैं आखिरी शिवित साथ में थे हम बात कर रहे थे हमने एक चैलेंज भी किया था टू एंड वन लाई वाला चैलेंज किया था हम बात कर रहे थे आखिरी थी वह स्कैड कि क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने कहा कोई बात नहीं टेंशन मत ले ये मतलब वो मतलब तो नॉर्मल सिचुएशन थी प्लानिंग प्लॉटिंग का कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे थे उसको बाहर निकालने के लिए शिवित गुस्से में था इसलिए उसने बोली ये चीज़ें और मैं हंड्रेड परसेंट बोल रही हूँ शिवित कभी नहीं बोलता जो हर्ष की बात है हर्ष ने और भी चीज़ें बोली वो चीज़ें तो दिखाई नहीं

तो ऑफ ऑफकोर्स आपके साथ एक सपोर्ट तो रहेगा क्योंकि, towards... क्योंकि एक बात बताओ आप शो में कुछ कर ही नहीं रहे हो क्यों रखेंगे वो आपको शो में करेक्ट है आप जिससे आपको पता है कि हाँ इस पॉइंट से इस बंदी से या इस बंदे से एक टीआरपी मिलेगी एक शो में एक जान आएगी तो ऑफ कोर्स उनका फेवरिज्म होगा लोग बोलते हैं इतना कि ये चीजें वो थी ये चीजें यहाँ पे ऐसे हुई है शिविर को लेके बहुत बायस हुए हैं दोबारा उसकी एंट्री हुई है हाँ okay. ब्रो वो है कंटेंट शिविद इज अ कंटेंट उसके बिना जो जितने दिन नई थाना विला में सब शांत थे किसी की कोई मेजर लड़ाई नहीं हुई थी इनफैक्ट सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी मतलब शो शो जैसा नहीं लग रहा था आप लोगों को नहीं न, शो शो जैसे ऐसा हो गया था कि कुछ चीज़ें अब इतनी मेजर रह ही नहीं गई है लाइक एंड डेज आ गया है कोई एक यू you नो know, मिर्च मसाला नहीं था ओके okay.

मैंने सेमी खेला ही मतलब मेरे को yeah. लगी थी हाँ मैं को लगी थी मुझे शिवित जिस दिन मे को लगी उस दिन मैं आई हॉस्पिटल से वो लोग रेडियो के डोब के लिए जा रहे थे तो शिवित मुझसे मिला एंड मैं मैं वहाँ पे भी उसको बोल रही हूँ कि हम सेमी फाइन वो टिकट टू तो फिनल नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ मी इतने हो गए गए ही लाइक चिल 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 ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मतलब उसने वो गेम पर्सपेक्टिव ही छोड़ देता था गेम ही छोड़ देता था वो वो जब वो आया सेमीफिन के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे वो मुझे तब से बोल रहे नहीं तू नहीं खेलेगी बल्कि उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसने मुझे डे वन बोला था मेरे लिए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बट उस पॉइंट पर भी वो ये बोल रहा था कि नहीं खेलेगी कोई बात नहीं हम नहीं खेलेंगे चलेगा मुझे चलेगा मुझे बट मुझे ये था कि नहीं नॉट बिकॉज ऑफ शिवित इट इज़ बिकॉज ऑफ अस लाइक बस जाने फिर डाले में तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था बहुत सो so, जिस तरह की चीजें आपने अभी बताई और जिस तरह की चीजें आपने पढ़ी और जिस तरह के आपने हैं कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि आप लोग पहचानने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं हाँ Actually, ये मुझे सबने बोला है हाँ। सब मुझे बोलते कि मैं... को पहले लगता है कि हाँ यार ये कितना अच्छा है कितनी अच्छी है फिर बाद में मुझे पता चलता है कि नहीं किसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते आप शो और अब चेहरा देखने की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी का चेहरा नहीं okay. देखनी चाहती बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कि मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती बट हाँ मुझे किसी से ग्रजस नहीं है बट आई से लॉड ऑफ पीपल जो बहुत चेंज होते रहते हैं लाइफ से फर्स्ट ऑफ ऑल आई दे मुझे मुझे लाइफ में कभी भी नहीं मिलना है उससे कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रखना है कोई भी नॉर्मल कोई बात भी नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलिया एंड क्या पता चला है आई डोंट नो टॉक अबाउट दैट लेट इट बी ठीक है <laughs> तो और दूसरी बाकी तो कोई ऐसा है नहीं यार ठीक है ऐसे मुझे किसी से दुश्मनी नहीं मुझे लक्ष्य से भी कोई दुश्मनी नहीं है बट इट्स जस्ट दैट आई वांट टू के नहीं में में। मिलना है बस हाँ। कि दूरी ही ज्यादा बेटर है इट्स एग्जैक्टली यार वी आर फ्रॉम सेम फील्ड ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे कभी आमने-सामने ना टकराएं हां बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पे हम मिलेंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं ना बाहर आने के बाद में, सिला के बाद बाद में <laughs> में में दो ग्रुप ग्रुप बन गए हैं 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 एक एक आप और है वो दिग्विजय का ग्रुप कह सकते हैं उसे पे उसमें से कोई किसी से बात नहीं करता है कोई किसी का वो मतलब ये नहीं है किसी से किसी को कोई वैसा कनेक्शन नहीं है हमारा ऐसे ही कि हमारी एक बंदे से लड़ाई हुई है तो हम भी नहीं जाएंगे ये सवाल जनता जानना चाहती है कि क्या आप लोग पार्टी में इनवाइटेड थे दिख बिशे की नहीं मैं और शबद तो नहीं थे अच्छा वह नहीं थे और क्योंकि हमें जाना भी नहीं था और फिर वो इन्वाइट करता तो वो एक वो चीज़ हो जाती कि

उसको बुरा लग रहा है वो बुरा दिखाएगा ठीक है उसको कोई चीज वो लग रही है वो कोई चीज़ फुटेज का वो नहीं करता है कि आपने हूँ आप लोगों की वजह से हो रही है थोड़ी <laughs> <ही, मेरी laughs> okay. तो है भाई वो तो कि कुछ हो जाएगा मुझे बहुत बुरा लगा था इस पॉइंट पे कि आप किसी को ऐसे पोट्रे कर रहे हो अगर वो बुलाते जाते मैं एक व्लॉग का एक पार्ट था yeah. वो भी मुझे <coughs> किसी ने भेजा था जहाँ पे दिग्विजय बोल रहा है कि तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो तू अगली बार से मेरे को म्यूजिक वीडियो को कॉल नहीं करेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने और शिवित की लिटरली एक घंटे तक ये बात हुई थी कि मैंने शिवित को बोला था कि मैंने कहा वो म्यूजिक म्यूजिक वीडियो के लिए दिग्विजय को कॉल मत करना उसने क्या हो जाएगा यार मेरे और दिग्विजय के बीच में ऐसा कुछ नहीं है वी आर नॉर्मल मैंने कहा नहीं शिवित नहीं करना

<laughs> देखो पहले भी ट्रस्ट इश्यूज थे शो में आने के बाद भी ट्रस्ट इश्यूज हो गए डोंट ट्रस्ट एनी वन इसलिए no. Don't trust anyone. Like, मैं अभी बोलूँगी नो डोंट ट्रस्ट एनी वन और दूसरी चीज़ आई लॉ लॉर्ड ऑफ थिंग लाइक मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बोलूंगी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लाइक like, मैं पहले बहुत गुस्सा हो जाती थी बहुत जल्दी जल्दी मुझे गुस्सा आता था तो so, अभी मेरा नॉर्मल थोड़ा काम हो गई हूँ और पेशेंस यस मेरे अंदर पहले पेशेंस नहीं थे और हेट पड़ गया लोगों का वो आपके लिए

तो मेको हेट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार दो मैं कभी भी हेट के लिए नहीं बोलती हूँ अभी भी मेरे पास स्क्रीन इतने सारे पड़े हुए हैं जिसमें मुझे थ्रेट्स आए हुए हैं बॉर्डर के थ्रेट्स तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आई होप आपको भी अच्छा लगा ये मुझे बहुत अच्छा लगा फैजान से बात करके और टेली मसाला से बात करके